हरिओम, मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम हरिओम यादव है, मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िला से हूँ सर। मैंने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2017 में पास आउट किया हूँ। उसके बाद सर मुझे टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें सर 3 साल का मुझे मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है। ओके, 3 साल का आपको मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, और 2 साल? 2 साल सर मैंने प्रोडक्शन में काम करा हूँ। 2 साल प्रोडक्शन में काम किया, तो मेंटेनेंस में आपको किस किस चीज़ का नॉलेज है? सर मुझे ट्रांसफार्मर का, ओवरहेड लाइन का सर 11 kV का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ST पैनल, LT पैनल, DG का सर। ओके, तो जो 11 kV की लाइन का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सिस्टम था जो आप देखते थे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें? सर पहला तो मुझे सर अपनी टीम की सेफ्टी देखना फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसके बाद सर मुझे परमिट रिसीव करना होता था अपने सीनियर से, और जो आइसोलेशन पॉइंट हैं वो अपनी टीम को बताना, और सेफ्टी के बारे में सर पहले कहाँ आइसोलेशन पॉइंट से क्या मतलब है? जहाँ से सर हम सप्लाई को स्विच करते थे, आइसोलेट करते थे सर, जहाँ से हमारी सप्लाई वहाँ से हम लोटो जहाँ लगाते थे और जहाँ तक हमको करना, वो बीच का एरिया सर हमारा आइसोलेट करना होता है, जिसके बीच में हम काम करते हैं, ताकि इमरजेंसी बाई चांस। किस तरह आइसोलेट करते हैं उसको? उसको सर जैसे जियो स्विच होता है, उस पर हम लोटो किट लगाते थे सर, लोटो टेक आउट, लॉग आउट टेक आउट करते थे वहाँ पे, और दूसरे साइड पे सर जहाँ हमको करना है, जैसे 2 स्पिन पे हमको काम करना है, तो एक साइड सर हम पहले डिस्चार्ज रोड होती है सर, जिसमें 4 क्लिप होती है, पहले उसको हम पोल पे लगाएंगे, फिर एक एक के ऊपर, फिर सर पहले एक फेस पे लगाएंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे ऐसे, पे ऐसे सिंपल रोड पकड़ी हमने लगा दिया कुछ नहीं सर, और पहले उसको हम अर्थ करेंगे प्रॉपरली पोल में। देखो, कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जो रोड का? उसका सर हमें जो नहीं, इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो आप रोड लगा रहे हैं उसको अर्थ करना है। यस सर, तो वो पॉइंट आपका जरूरी है आपको बताना ना। जी सर, सबसे उसको अर्थ रोड मतलब उसको जो रोड होती थी, अर्थिंग रोड होती थी, सबसे पहले उसको ग्राउंड करते थे अच्छी तरह, ग्राउंड हो गई है फिर उसको हम आइस मतलब चेक करते थे कि भाई सप्लाई नहीं है या जो भी कुछ, तो जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हमें बताना होता है। ट्रांसफार्मर किस तरह के ट्रांसफार्मर पे काम किया है? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर सर। ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं? ट्रांसफार्मर सर हमारे वैसे सर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सर उसमें एप्लीकेशन के आधार पे भी हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, प्रोटीन पावर ट्रांसफार्मर हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गए। दूसरा सर उसमें कंस्ट्रक्शन के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं सर, एक सेल टाइप और एक कोर टाइप के सर, और एक दो सर मुझे एक थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद सर फेस पिक के आधार पे भी होते हैं सर हमारे ट्रांसफार्मर, जिसमें सिंगल फेस, 3 फेस, 6 फेस। 6 फेस क्या होता है? 6 फेस के सर एक टाइप है उसमें होता है। क्या होता है 6 फेस में, क्या होगा? नहीं सर, हो जाएगा। ओके, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसके बारे में आपको बताना नहीं है। यस सर, ठीक है, और आगे बढ़िए। सर उसके बाद कूलिंग के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, एयर कूल्ड और ऑयल टाइप, और सर ड्राई टाइप और ऑयल टाइप के होते हैं सर। तो आपने कौन से वाले ट्रांसफार्मर पे काम किया है? ऑयल टाइप पे सर। ऑयल टाइप पे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर। तो किस मेक का था वो? 11 बाई किस मेक का था वो? वो सर हमारा था ABB का, कोटसन का। ABB का था? यस सर। ओके, तो उसमें जो कितनी टेप लगी हुई थी, टोटल टेप कितनी? रेशियो था सर उसमें। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी का स्टेप डाउन था सर हमारा। ओके ओके, तो OLTC वगैरह लगा था उसमें? नहीं सर, OLTC नहीं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक होता है ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफार्मर होता है। यस सर, तो उसके बारे में क्या जानते हो आप? सर उसमें सर हमारा जो टेप चेंजर होता है सर ऑन लोड और ऑफ लोड, इसमें सर जैसे हमको वोल्टेज हमारा
ड्रॉप हो रहा है तो हमें उसको सही करने के लिए सर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप में ही काम आता है खाली। वोल्टेज कम है जब भी उसको यूज करते हैं सर, कम भी करना है या ज़्यादा करना है तो हम ऑन लोड और ऑफ लोड टेप चेंजर का यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में सर? एक को सर हम जैसे बिना ट्रांसफार्मर को बंद करें, किसको सर ऑन लोड को हम बिना ट्रांसफार्मर को बंद करें हम टेप चेंज कर सकते हैं रेशियो ऑन लोड, यस सर। ऑफ लोड को सर हमें बंद करके फिर सर चेंज, कैसे बंद करेंगे ट्रांसफार्मर को? ट्रांसफार्मर को सर जैसे जियो स्विच से भी हम बंद कर सकते हैं, और उसके बाद सर जो हमारे जियो स्विच के बाद डीओ फ्यूज लगे होते हैं सर, वहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं। डीओ फ्यूज क्या होता है सर? ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं सर जियो स्विच के बाद। किस तरह प्रोटेक्शन करते हैं? जैसे उसमें सर फ्यूज लगे होते हैं, अगर हमारा सर ओवर हाई वोल्टेज आएगा सर तो शॉर्ट सर्किट भी होगा, तो सर पहले वो जो फ्यूज़ होगा सर वो फ्यूज़ जल जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रह जाएगा सर। ओके, शॉर्ट सर्किट किधर होगा? तो जब सर हमारे जो फेस आ रहे हैं तीनों आर वाई बी लाइन से हमारे आ रहे हैं, अगर तीनों में शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर तो फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ेगा, केबल जल जाएगी। अगर ट्रांसफार्मर और आपके जियो स्विच के बीच में कोई फॉल्ट है तो ट्रांसफार्मर पर तो वैसे भी नहीं फ़र्क पड़ना होगा सर। उसमें क्या होता है कि जियो स्विच सर हमारा जो तीनों ओवरहेड लाइन होती है वहाँ से होता है, उसके बाद सर वीसीबी भी लगा हुआ था कहीं पे आपके इधर? वीसीबी सर हमारे जो पैनल रूम थे सर कंट्रोल रूम उसमें लगा होता था। तो वीसीबी के बाद सप्लाई कहाँ पर जाती है सर? हमारे यहाँ सप्लाई सर पहले हम यूपी पीटीएल से लेते थे। वीसीबी के बाद देखो वीसीबी के साथ बात, क्वेश्चन सामने वाला क्या पूछ रहा है आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तो इस चीज़ पे सब लोगों को फोकस करना है कि जितना पूछ रहा है उतना ही हमें आंसर देना है। और क्या पूछ रहा है? मैंने पूछा वीसीबी के बाद सप्लाई कहाँ जाती है? फीडर पे सर, हमारा एक फीडर वहाँ से निकलता था, फीडर पे जाता है। ओके, फीडर के बाद में? फीडर के बाद में सर जहाँ फीडर सर अलग अलग लोकेशन पे था, जहाँ अगर हमें ज़रूरत है उस लोकेशन में हमें कनेक्शन देने हैं तो वहाँ एक हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते थे जिसमें सर 11 से सर 440 वोल्ट। अभी आगे जहाँ आप जाओगे ना यस सर, वहाँ पर इंडस्ट्री में तो जा नहीं रहे हो, तो वीसीबी के बाद में ट्रांसफार्मर आता है। यस सर, तो वीसीबी से जो सप्लाई आती है सीधी ट्रांसफार्मर में आती है। फीडर वीडर भूल जाओ अभी, यस सर, क्योंकि वो बोलोगे भैया इसकी ये तो इसकी तो इसका एक्सपीरियंस तो उस लाइन में ज़्यादा है तो वो रिजेक्ट करेगा आपको। नहीं यार ठीक है बंदा पता तो, बट ज़्यादा जिसको उस चीज़ के बारे में बताएं, तो आप जिस पोजिशन के लिए जिस चीज़ के लिए जा रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ऑयल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? ऑयल टाइप की सर हमारी होती है एक कंजर्वेटर टैंक होता है सर, उसमें ब्रीदर होता है, और सर एक हमारा एक्सप्लोशन वेंट होता है सर, और कूलिंग ट्यूब्स भी होती है सर उसमें। हमारे यहाँ सर यही लगे थे ट्रांसफार्मर। तीन ही सेफ्टी थी, डब्ल्यू टी आई वगैरह नहीं सर? उसमें नहीं लगी थी डब्ल्यू टी आई ब्यूटी है। आपके इधर लगी हो या नहीं लगी सर? जितनी सेफ्टियाँ आपको बताई गई हैं मैंने तो क्या बताया, तुम अपना रिजेक्शन खुद चाह रहे हो यहाँ पे। भाई इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करना चाह रहा है बट आप चाह रहे हो नहीं यार मेरा रिजेक्शन हो जाए, तो आपने पढ़ा गया है यहाँ पर, आपने ये पढ़ाया जितनी सेफ्टियाँ पढ़ी सब कुछ पढ़ाया, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है ठीक है। इंटरव्यूअर को ये मतलब नहीं आपके इधर क्या लगा था, नहीं लगा था तो इसको यार डब्ल्यू टी आई ओ टी आई का भी नहीं पता। देखो पहला रिजेक्शन आपका क्या होगा, यार इसने एच टी में काम किया है ठीक ना, दूसरा रिजेक्शन यार इसने तो डब्ल्यू टी आई ओ टी आई बकोज रिले ये वो बहुत सारी सेफ्टी होती है, वो तो पता ही नहीं है कुछ, तो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, दूसरा आगे का रिजेक्शन हो गया आपका ठीक है। तो मुझे बताइए इसकी सेफ्टियाँ बताइए सर। हमारे इसमें सर ओ टी आई और डब्ल्यू टी आई होता है, सारी सेफ्टियाँ बताइए दोबारा से। ठीक है सर, हमारे ट्रांसफार्मर में कई तरह की सेफ्टियाँ होती है जिसमें से सर ओ टी आई डब्ल्यू टी आई ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक, और कंजर्वेटर टैंक किस तरह सेफ्टी है? सर कंजर्वेटर टैंक जो होता है कि हमारा जो मेन टैंक में जब टेम्परेचर हाई होगा और जब हमारा ऑयल हीट होगा तो वो सर ऊपर की ओर आएगा, और
जब लो टेम्परेचर होगा तो सर वो ऊपर की ओर आएगा, कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा सर, वो तो ऑलरेडी रहता है कंजर्वेटर टैंक में, हमेशा कितना ऑयल रहता है उसमें सर? लगभग हमको 50% तो रखना ही चाहिए सर कंजर्वेटर टैंक में। तो सेफ्टी कैसे है वो जानना मुझे बस। आपने कहा कि कंजर्वेटर टैंक एक सेफ्टी है, तो कैसे, किस तरह सेफ करता है? नहीं सर। ठीक है, तो और बताइए। और सर ब्रीदर होता है सर हमारे ट्रांसफार्मर में, ब्रीदर में सर, ब्रीदर का उपयोग होता है सर कि जो बाहर से हमारे फ्रेश एयर है सर उसको सक करना। क्यों, कैसे सक करेगा वो सर? सक करेगा उसमें ट्रांसफार्मर के लिए सर, अंदर कूलिंग के लिए। तो सर जो एयर में मॉइस्चर होते हैं उसमें सक कैसे करेगा? वो तो भाई एक स्टेटिक डिवाइस है, क्यों करेगा, कैसे करेगा सक? जैसे डीजी है भाई, मूविंग डिवाइस है, कहीं ना कहीं से वो सक कर सकता है भाई, उसमें हम बोले बट इसमें तो स्टैटिक डिवाइस है, कैसे सक करेगा? वो कुछ है ही नहीं, वो तो भाई एक ट्रांसफार्मर है ना ओमली, तो सक कैसे करता है? ब्रीदर के थ्रू सर। कैसे? ब्रीदर के थ्रू सर। कैसे, किस लॉजिक पे सक करता है? नहीं नहीं मालूम। ओके ठीक है, बकोज रिले के बारे में बताया कुछ? यस सर, बताइए उसके बारे में। बकोज रिले सर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। बकोज रिले में सर हमें, जब सर हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में सर जब इंटरनल फॉल्ट होगा तो वहाँ से सर एक गैस ऑपरेट होगी सर, जिससे बबल बनेंगे, वो हमारे बकोज रिले में जाएंगे। बकोज रिले सर उसको VCB को ट्रिप कराता है सर, और बकोज रिले सर एक गैस ऑपरेटेड रिले है। जब वहाँ पे फॉल्ट होगा तो जो गैस, तो आपने अभी सेफ्टी में बकोज रिले का क्यों नहीं जिक्र किया? क्योंकि ट्रांसफार्मर की एक अहम सेफ्टी है। आपने भाई कंजर्वेटर टैंक बता रहे हैं, आपको इंटरव्यूअर को जो मेजर सेफ्टियां होती हैं उसके बारे में बताना है। यस सर। तो आप मतलब जो मेजर सेफ्टी क्या क्या है? मेजर सेफ्टी OTI सर होता है हमारे यहाँ, ऑयल देखो क्या होता है ना अभी, देखो WTI है, OTI है, बकोज रिले है, MOG है, एक्सप्लोजन वेंट है आपका, PRV आप बोल सकते हैं कि प्रेशर रिलीव वाल्व, उसके अंदर कुछ भी ट्रांसफार्मर में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो मेन है वो तो आप उधर बता ही नहीं रहे हो, दो सेफ्टियाँ। इंटरव्यू कैसे करेगा भाई? इंटरव्यूर भी एक माइंड सेट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इंटरव्यूर एक माइंड सेट लेकर बैठा हुआ है कि मुझे किस तरह का बंदा चाहिए। तो वो आपके आंसर दी, हो सकता है कि आप जाके ऑपरेट सब कुछ बढ़िया तरीके से कर लें, एक दूसरे बंदे को मैंने सेलेक्ट किया उससे आप हो सकता है कि 5 गुना अच्छे हो, बट इंटरव्यूर कैसे डिसाइड करेगा वो, उसको डिसीजन लेना है इंटरव्यू के थ्रू ही पता लगता है कि भाई बंदे वाले को क्या पता। उसको ये थोड़ी है कि चल 5 दिन काम करो फिर आपको हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी ना सर। हमारे OTI WTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है सर, और एक वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, जिसमें कि सर हम वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर में सर हम उसके सर 90 पे हम अलार्म की सेटिंग करते हैं और 95 पे ट्रिपिंग। कहाँ लगा रहता है ये सर? हमारे उस पर सर OTI का जो ट्रांसफार्मर में लगा होता है सर, जिसमें मीटर होता है सर, उसमें 2 नीडल होती हैं, एक ब्लैक और रेड नीडल होती है सर। एक बताती है सर कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर उस टाइम पे कितना गया है, और दूसरा सर जो हमने सेटिंग कर रखी है। एयर सर्किट ब्रेकर है, कितनी तरह के आते हैं? 2 तरह के होते हैं सर, एक MDO सर और एक EDO होता है सर। क्या होता है ये? EDO सर जो कि इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट होता है सर, और एक होता है MDO मैनुअल ड्रॉ आउट होता है। मतलब ड्राउट से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल मैनुअल तो मेरे को समझ में आ गया, मैकेनिकल समझ में आ गया, इसमें ड्राउट क्या चीज़ है सर? उसमें जो मोटर होती है सर वो दोनों में लगाया ड्राउट, तो तुमने एक में मैनुअल लगाया है एक में MDO, तो ड्रा आउट क्या चीज होती है? नहीं, जो आपका ACB होता है। यस सर। उसकी क्या क्या सेफ्टियां हैं ACB के सर? हमारी एक तो सर संट कॉइल, संट रिलीज होता है सर, क्लोजिंग रिलीज, और एक होता है सर आर्क चूट, और
ओवर सेफ्टियाँ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। आपको यही नहीं पता सेफ्टियाँ क्या हैं भाई, वो शॉर्ट सर्किट पे है, एसीबी आपकी एमसीबी तो शॉर्ट सर्किट पे हो जाती है, आपको यही नहीं पता अभी शॉर्ट सर्किट है, ओवर करंट है, अर्थ फॉल्ट है, इन सब पे भी वो ट्रिप करती है, यूवी है, अंडर वोल्टेज है जो सबसे इम्पोर्टेंट रिले है, उस रिलीज है, उसका नाम ही नहीं लिया आपने, आग चूट है भाई उसका तो कुल मतलब ठीक है आप ले सकते हैं, बट वो लास्ट की लिस्ट में आता है, अगर नहीं भी लिया तो कोई नहीं, चल गया यार। हमारी टीएनसी क्या होता है, टीएनसी स्विच एक लगा है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज सर, उसमें तीन स्टेज होती है, ट्रिप कर सकते हैं हम न्यूट्रल और क्लोज। न्यूट्रल मतलब उसको सर ऑफ पोजीशन पे होगा सर न्यूट्रल में। ओके क्लोज में, ट्रिप में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, क्लोज में क्या होगा? ट्रिप में सर हमारा बंद हो जाएगा पावर जो सप्लाई, हम ट्रिप कराते हैं, चालू करते टाइम पे भी सर और ऑफ करते टाइम पे भी। एक स्टेज होती सर फिर ट्रिप न्यूट्रल, न्यूट्रल में सब हमारी बीच की पोजीशन होगी, ना ऑफ होगा ना ऑन। नहीं आपने बोला तो उसमें तो कुछ ऑफ बता रहे थे ना अभी तो। नहीं सर वो थोड़ा सा मेरा टीएनसी से स्विच ना, मतलब मैं टीएनसी को से उसको कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इसी भी ऑन नहीं हो रहा। यस सर। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें सर? हमारे जो क्लोजिंग रिले काम नहीं कर रही है। उस फिर क्या करेंगे हम, कैसे ऑन करेंगे इसके लिए सर? हमारे इसमें सर एक एंटी पंपिंग रिल लगाया जाता है सर, जो सर कहाँ लगती है उसका काम होता है सर, जो हमारी किसी एसीबी में लगा होता है सर, तो एसीबी के अंदर लगता है या बाहर लगता है? सॉरी सर पैनल में लगा होता है। उसका काम क्या होता है सर कि जब हम एक बार ऑन की कमांड देंगे हमारी कॉइल को तो वो ले लेगी, उसके बाद जितनी बार अगर हम देंगे तो वो सर नहीं सेंस करेगी। उसकी कमांड कहाँ पे आएगी, एंटी पंपिंग रिले की कमांड कहाँ पर आएगी? हमारी कॉइल पे आएगी सर। कौन सी कॉइल को? जो सर हमारी क्लोजिंग कॉइल पे। तो क्लोजिंग तो खराब है, जब भी तो टीएनसी से काम नहीं कर रही हो। क्लोजिंग तो खराब है। यस सर। आपने बताया, मैंने कहा क्लोजिंग खराब है तो कैसे ऑन करेंगे उसको? मैं एयर सर्किट ब्रेकर में से यूवी निकाल देता हूँ तो क्या होगा? अंडर वोल्टेज तो सर उस पर सर जो उसमें हमारी वोल्टेज रेटिंग जो फिक्स कर रखी है हमने उससे सर फिर जो फिक्स करी है तो वो सर उससे ज़्यादा भी फिक्स नहीं कर पाएंगे सर हम उसमें रेटिंग को। वो तो हमें एसीबी पे क्या होगा, एसीबी को मैंने भाई एसीबी ऑन नहीं हो रहा है। यस सर। एसीबी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है? यस सर। एसीबी ऑन नहीं हो रहा है मतलब सॉरी हमने एसीबी में से यूवी निकाल ली है। यस सर। तो यूवी निकालने के बाद क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा ब्रेकर, क्या फ़र्क पड़ेगा यूवी निकालने से बाद में और पहले में? जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता है सारे नोट कर लेना और मेरे से इंटरव्यू के बाद में सबको पूछना है, ठीक है? नहीं मालूम। ओके तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को में क्या कुछ लगा रहता है, बेसिक फंडा किस फंडे पर काम करता है? सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सर कॉन्टैक्ट लगे होते हैं सर जिसमें कहाँ पर लगे रहते हैं? मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट लगे होते हैं सर। कहाँ पर? आर्क शूट होता है सर उसके अंदर लगते हैं ये। वीसीबी में? यस सर। ओके आर्क शूट कहाँ लगा रहता है ये? सर जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जहाँ लगा होता है सर जहाँ। वीसीबी क्या होती है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। कहाँ लगाते हैं इसको? ये सर वीसीबी को सर हम एसटी पैनल में लगाते हैं सर। ओके तो इसमें आर्क शूट देखा है आपने कभी? आपने एचटी सिस्टम में 3 साल आपने काम किया है तो आर्क शूट कहीं देखा उसने? सॉरी सर ये सर एसीबी में लगा होता है, आर्क शूट इसमें नहीं लगा होता सर। अभी तो आपने एसीबी में वीसीबी में भी लगा दिया था थोड़ा सा, तो इसमें क्या लगा रहता है ऐसा? इसमें सर जब हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में एनराइज होके सर वो लगते हैं तो उसको बुझाने के लिए सर हमारे यहाँ वैक्यूम की जो बोतल होती है सर
जो कि जो उस फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, कौन सी गैस होती है उसके अंदर? उसमें सर वैक्यूम होता है सर, उसमें वैक्यूम का मतलब सर जिसमें कोई गैस नहीं होगी सर, वैक्यूम की बोतल होती है सर। तो जब हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट करेंगे तो सर उसमें जो आर्क प्रोड्यूस होगी उस आर्क को सर ये कम कर देता है सर वैक्यूम। कैसे? ऑब्जर्व कर लेता है सर। डीजल जनरेटर के बारे में कुछ बताओ। डीजल जनरेटर सर हमारा, जिसमें कि सर केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी और हीट एनर्जी से सर मैकेनिकल एनर्जी। इसमें सेफ्टी क्या क्या होती है डीजी की? डीजी की सर लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, लो कूलेंट लेवल और सर ओवर स्पीड, चार तरह की मेन सेफ्टी। ओवर स्पीड क्या चीज़ है? ओवर स्पीड सर जो हमारा डीजी होता है सर, उसकी जो हम 80% पे उसकी फिक्स कर देते हैं सर आरपीएम। कहाँ से करते हैं 80%? 1500 का 80% कितना हो गया? 1500 60 1200। यस सर। तो 1200 पे चलना चाहिए फिर तो सर। जब हमारा 1200 पे नहीं चलेगा सर, उससे ज़्यादा चलेगा और 1200 चला दिया तो क्या होगा? सर 1200 पे तो सर हमारा रेटेड स्पीड पे हो गया सर, तो हाई टेम्परेचर नहीं आएगा। तो डीजी की आरपीएम कितना होगा? ओवर स्पीड नहीं होगी सर। डीजी की स्पीड कितनी होती है? 1500 आरपीएम होती है सर। तो 1500 से 1200 कैसे चला सकते हैं? अगर 1200 हमने चला भी दिया तो क्या होगा सर? उसमें हम अपनी सेफ्टी के अनुसार सर वो आरपीएम को सेट करते हैं सर। नहीं, आपने 1200 चला दिया, 1200 चला दिया है तो क्या होगा? किस चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा? वोल्टेज कम हो जाएगी या और कुछ चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा? वोल्टेज कम होगा सर 1200 चलाएंगे तो। ठीक है। जो आपका है लो ल्यूब ऑयल प्रेशर है, यस सर, उसके बारे में क्या बताएं? लो ल्यूब ऑयल प्रेशर सर, जिसमें कि हमारा ल्यूब ऑयल होगा सर, उसमें उसका प्रेशर सर जो होता है 2.5 से 7.5 तक होता है सर। क्या सेंटीग्रेड फारेनहाइट? नहीं सर, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर सर। ओके, तो पूरा बताओ ना कि क्या होता है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है। डीजी का मेंटेनेंस के बारे में क्या क्या जानते हो? डीजी में सर मुख्यतः चार प्रकार का सर चेक होते हैं, जिसमें सर ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक होते हैं। डी चेक क्या चीज़ है? डी चेक में सर हमारा जो होता है कि 2 साल में किया जाता है सर ये चेक। इसमें सर हम कितने घंटे में? पंद्रह सौ। जो डीजी को चलाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? डीजी को चलाने से पहले सर हमें डीजी के चारों तरफ फिजिकली उसकी बॉडी को देखना चाहिए सर, कोई लीकेज तो नहीं है और हमारा फ्यूल टैंक में फ्यूल प्रॉपर है या नहीं। बैटरी का वोल्टेज हम चेक करेंगे सर, प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं है, 26 से 27 के बीच में होना चाहिए हमारा बैटरी का वोल्टेज। बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं सर वो लूज तो नहीं है। और उसके बाद सर जो हमारा डीजी, अगर उसका सर कूलेंट लेवल भी देखेंगे हम, कोई अगर उसमें एबनॉर्मलिटी मिलती है तो सर उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे। किस तरह की एबनॉर्मलिटी मिल सकती है? आपने जैसे डीजी को ऑपरेट किया है तो डीजी चालू करने से किस तरह की प्रॉब्लम मिली है आपको पहले? सर हो सकता है सर कि हमारा नहीं हो सकता नहीं मैंने पूछा कि आपने जब ड्यूरेशन में काम किया। एक दिन जब आया था अपने ड्यूटी पे तो मैं ए चेक कर रहा था, उस दौरान सर मुझे ऑयल लीकेज मिला था सर। एक उसकी जो कहाँ से लीकेज था सर? जो हमारा ऑयल टैंक है सर, कहाँ रहता है ऑयल टैंक? सॉरी सर, फ्यूल का लीकेज था सर। जो हमारा वॉल्व डे टैंक में फ्यूल होता है सर, वहाँ से जो हमारे वाटर सेपरेटर में आता है सर, वहाँ पे थोड़ा सा सर मुझे उसका पाइप का जो सर कनेक्शन सही नहीं था, वहाँ से लीक हो रहा था सर हल्का सा। क्या किया आपने फिर? फिर सर मैंने उसको सर टाइट किया। बंद हो गया था फिर? हाँ सर, प्रॉपर हो गया था सर। अगर आपका ए चेक है, यस सर,
आप 10-15 दिन तक एक चेक नहीं करते हो अच्छी तरह से, तो क्या नुकसान हो सकते हैं उसके? सर ये चेक हम नहीं करेंगे सर, तो सर हमारे डीजी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है सर। जैसे पहले तो सर हम एक चेक प्रॉपर नहीं करेंगे तो सर हो सकता है कि हमारा डीजी स्टार्ट ही नहीं हो, पहला ही स्टेज नहीं हो, क्योंकि अगर ये चेक नहीं करेंगे सर तो हो सकता है हमारी बैटरी लो हो सकता है यानी लीकेज हो, हमारा वाल्व अगर उधर हमारा सर डीजी था वो एयर कूल वाटर कूल था सर, तो जो हमारा कूलिंग टावर से जो पानी पाइप के थ्रू जो वाटर आ रहा है सर कूलेंट को ठंडा करने के लिए, उसका सर वॉल्व भी कभी कभी क्या होता है सर वो बंद रहता है सर, ऑन नहीं होता है, तो टेम्परेचर हाई आ सकता है सर। पीपीएम भाई, पीपीएम क्या होता है सर? ये प्री अगर पीपीएम नहीं करेंगे यस सर तो क्या नुकसान हो सकते हैं? पीपीएम करने से क्या फ़ायदे होते हैं? पीपीएम नहीं करेंगे सर तो हमारे सिस्टम में सर जो डीजी है और नहीं, मैं डीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटर की बात कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन आएगा सर जल्दी। कैसे? पीपीएम करेंगे सर तो सर पहले से हमारा डिसाइड होता है कि किस इसका अगला पीपीएम कब हुआ है और अगला कब होना है। एक वीकली पीपीएम और एक मंथली पीपीएम में क्या अंतर होता है? वीकली में सर प्रॉपरली हम एक मोटर का पीपीएम करने, एक वीकली है एक मंथली है, दोनों में अंतर क्या होता है? वीकली में सर हम देखेंगे कि टोटल कोई उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं है और प्रॉपर सर फिजिकल कंडीशन देखेंगे, और मोटर के जो टर्मिनल्स होते हैं सर उसमें देखेंगे स्पार्किंग तो नहीं हो रही है। और मंथली में? मंथली में सर उसका हम प्रॉपर तीनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, शॉर्ट तो नहीं है, फिर मोटर का हम सर अर्थ टेस्ट करेंगे। मोटर तो चल रही है, कंटिन्यूटी टेस्ट क्यों करोगे? मोटर तो चल रही है भाई, इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करने का सर जब हम जो मंथली करेंगे सर तो उसमें सारे पॉइंट कवर करते हैं सर। तो कंटिन्यूटी टेस्ट में कितना आना चाहिए उसमें सर? दोनों में सर कंटिन्यूटी आना चाहिए। कितना आना चाहिए मीटर में, कितना कंटिन्यूटी आना चाहिए? कंटिन्यूटी सर ऐसे नहीं आती सर, वो जो हमारा उसमें मैगर में होता है सर अलार्म, वो सर ब्रीफ करता है। कितने के वी का मैगर यूज़ करते हैं उसमें? सर मैंने सर जहाँ तक 15 के वी का सर मैगर जो हमारा है। तो मोटर जल नहीं सकती उससे? 15 के वी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब कंटिन्यूटी सर उसका हम मेगा में होता है सर हमारा मैगर, उसमें सर अलग अलग स्टेज पे होता है सर। जितना चीज़ें पता है जितना गलत जाओगे सामने वाला गलत 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 प्रूव करता जाएगा। यस ठीक है। मंथली जो भी मेंटेनेंस होता है ना, कभी कंटिन्यूटी टेस्ट से क्या मतलब है भाई? उसके टर्मिनल देखने हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट तो जब करोगे किसी मोटर का, उसमें खराबी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे ही थोड़ी है भाई। भाई इक्विपमेंट को फालतू में भी हम परेशान नहीं कर सकते ना। अरे भाई इसका सब कुछ कर रहे हैं भाई, एक मोटर है उसके बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कुछ साउंड है, तभी तो उसके बैरिंग खोल के देखोगे, नहीं तो यार महीने आ गया इसका, चलो बैरिंग खोल देते हैं। यस सर, नॉर्मल ग्रीसिंग हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। तो किसी भी इक्विपमेंट को जब छेड़ा जाता है, जब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है या पूरे उस सिस्टम में हमारी चेकलिस्ट के अंदर है भाई, आप बैरिंग खोल ला हुआ बताए साउंड आ रखा है उसका, बैरिंग चेक किया तो उस तरह का तो जमता है, उसकी कंटिन्यूटी क्यों चेक करेंगे? कंटिन्यूटी तो जब चेक करने की जरूरत है, उसमें कुछ फॉल्ट आ रही है, एम्पियर ज़्यादा ले रही है यार, एम्पियर ज़्यादा ले रही है। मैंने तीनों फेसों कहा, तुम ये बोलते कि सर एम्पियर ज़्यादा ले रही है, हम उसका चेक करेंगे, एम्पियर ज़्यादा तो नहीं ले रही है। मैं मोटर का चेक किया था एक बार, एम्पियर में एक में एम्पियर ज़्यादा ले रही थी, तो हमने फिर उसका कंटिन्यूटी टेस्ट किया, देखा ये वो मिला कुछ ना कुछ, देन वो जस्टिफाई लगता है भाई, एम ही थोड़ी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ठीक है डियर, तो अभी ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यस सर, जो पॉजिटिव चीज़ है तुम्हारे अंदर, जो तुम मतलब आंसर कर रहे हो, वो डर के नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, और वो मतलब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि सामने वाले डरा हुआ नहीं है, तो कॉन्फिडेंस है। बट एक चीज़ इम्प्रूव करनी है आपको, जो इंटरव्यू का आंसर करना है। यस सर, भी किस तरह करना है, बहुत सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट आपको भी लग गया होगा। yes, तो आप अपने आप को कितना मार्क देंगे अगर 10 में से देना होगा? 6.57 के करीब। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी आपको जाएगा 5 नंबर। यस,
ठीक है, वो भी कॉन्फिडेंस जोड़ के, अदरवाइज तीन नंबर पे जाता है तुम्हारा। तुम्हारे से क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा पूछे, इतने इंटरव्यू मैंने इतना लंबा इंटरव्यू नहीं लिया है, मतलब तुम्हारा मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा। अगर तुम दो दिन आज का दिन है और कल का दिन है, दो दिन अगर आपने मेहनत की ना, तो डेफिनेटली तुम सीधे 8 पर पहुँच जाओगे।